नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग के बाद सियासत के जानकार रोजाना कागजों पर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। हकीकत में सरकार उसी दल की बनेगी जिसके पक्ष में कांगड़ा जिले के जनादेश ईवीएम में कैद है। प्रदेश में वर्ष 1985 से लेकर अब तक 37 साल से कांगड़ा ने जिस दल को जनादेश दिया है, सरकार भी उसी की बनी है। जाहिर है कि इस बार भी कांगड़ा जिला ही किंग मेकर की भूमिका निभाएगा। मौजूदा विधानसभा 2017 से 2022 में बीजेपी के पास 11 कांग्रेस के 3 और 1 निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस विधायक पवन काजल और निर्दलीय होशियार सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांगड़ा में भाजपा के पास 13 एमएलए हो गए हैं, मगर टिकट नहीं मिलने पर होशियार सिंह बागी हुए हैं। बेशक मौजूदा विधानसभा में भाजपा का दबदबा बना है, मगर आंकड़े बताते हैं कि एक बार जिस दल को कांगड़ा जिले ने सत्ता का स्वाद चखाया है, दूसरी बार उसी दल को सत्ता से दूर भी किया है। कांगड़ा जिला उलटफेर के लिए मशहूर है। 2017 से पहले यानी वर्ष 2012 में कांगड़ा में कांग्रेस ने 10 सीटें जीती, बीजेपी मात्र 3 सीटें और 2 आजाद विधायक जीते थे। तब के निर्दलीय पवन काजल ने वीरभद्र सिंह की अगुवाई में कांग्रेस का दामन थामा, उन्हें मिलाकर कांग्रेस के 11 विधायक थे। 2007 में बीजेपी ने कांगड़ा जिले के 9 सीटें जीती थी, तब कांग्रेस के 4 एमएलए एक बासपा आजाद जीत कर विधानसभा पहुंचे। उस दौरान प्रेम कुमार धूमल दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2002 में कांगड़ा जिले के तब बीजेपी के 4 और 1 आजाद उम्मीदवार चुनाव जीता। उस दौरान वीरभद्र सिंह 5वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना।